आप लोगों ने मिलकर मेरा पूरा किया है और जो भी कुछ मैं आज हूँ आपके आशीर्वाद और आपके प्यार के कारण हूँ। और मुझे कोई क्रेडिट नहीं जाता अपनी जिंदगी में, ना मैंने कभी खुद को क्रेडिट दिया है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। और लोग को बताता हूँ, देखिए मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, समझे, मैं किसी सेठ का बेटा नहीं हूँ। तो मैंने जिंदगी के हर पड़ने का दुनिया में कोई संसाधन नहीं है, ये एंड ऑफ लग्जरी है, समझ रहे हैं आप भाई। 5-star होटल 7-star होटल जहाज में 2 घंटे में 3 घंटे में 1 रात में उतर जाओगे, पर 900 रूमों के साथ एक 7-star होटल समुद्र में भी चौबीस रहता है। तो मुझे लगा ये एंड ऑफ लग्जरी है, इसके बाद कोई लग्जरी है। पर करोड़पति बड़ोपति लोग जा जाते हैं क्रूज में ना, पैसे वाले जा जाते हैं, उनके नखरे बड़े स्टाइल। सर मैं गया अपने लोगों से मिलने, तो जहां पर हमारे डीजे पे लोग नाच रहे थे ना, वहां नाच रहे थे करोड़पति लोग, और हमारे लोग नाच रहे थे स्विमिंग पूल के साइड में। मेरा दिमाग खटका, मैंने सारा एक दिन इनको निकाल बाहर करूंगा, पूरा पूरा चलना दिखा। बहुत फील हुआ, हमारे लोग खाना खाने जा रहे तो भी हमारे लोगों को सेकंड समुद्र पे राज किया। अब अगला ट्रिप साला विदेश का ही होगा। तैयारी करो भाई, और क्या जो भी बना है, पहले चांद पे भी लोग जाने शुरू होंगे तो असली बच के फाइटर जाएंगे। अपना यही कसन है सब, है ना। अब पूरा हिंदुस्तान जला घूम रहा है, कंपनी वाले मालिक भाई तू सोच कैसे लेता है, मतलब पैसे लगते हैं भाई, इतने बड़े बड़े चीजें सोच कैसे लेता है, पैसे लगते हैं लगा। बोला भाई और तूने वुमेन्स डे पे 300 अपनी वुमेन्स के लिए दिया, मैं क्या बुला दी, मैं अगली बार कटना बुला दी हमारे साथ, पैसे लगते हैं, पैसे लगते हैं। तुम सारा अपनी जेब भरते हो, हम लोगों की जेब भरते, इतने फर्क। मैं तो बहुत कुछ सोच के बैठा हूं, आप सोच नहीं सकते मैं क्या सोच, नहीं सारा के रोक नहीं सकता बड़ा बनने से। तैयार है, अब सुन लो मेरी बात, आप कमिटमेंट का नंबर है। ये कोविड ने आके थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा कर दिया ना, अभी तक तो खेल पूर चुके होते हैं, समझे। 2 साल का गैप लग गया, जो हम करना चाहते वो कर नहीं पाए, समझे, जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं, जो प्लानिंग्स हैं, उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अब तुम एक बात ध्यान से सुन लो, ये कंपनी है तुम्हारी और मैं तुम्हें बताता, तुम्हें ही दान करूंगा ये कंपनी, तुम सबको गारंटी है, समझे। मुझे जितने पैसे चाहिए उतने मैं और कहीं से कमा लूंगा, इतना टैलेंट है मेरे पास, असली पैस तुम्हारी है, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की। 85 किलोमीटर है सफर, 5000 किलोमीटर का है ना, तो 1000 किलोमीटर में ब्रेक करोगे, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये आपके अचीवमेंट लेट क्यों हो रही है, आपके चेक कमजोर क्यों बन रहे हैं, आपके मनचाहा चेक क्यों नहीं बन रहा, आपकी मनचाही अचीवमेंट क्यों नहीं आ रही, आप टाइमली ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपने मंजिल ही 50 किलोमीटर की पकड़ के बैठे हो, टाइम बनूंगा। अब 50 किलोमीटर तो मजे मजे मजा रहे हो, 5 किलोमीटर चल गए फिर चल रुक जाते हैं यार, 50 ही तो है, फिर 10 चल गए, 5000 किलोमीटर का सफर होता है ना तो गाड़ी रोकने का मन नहीं करता। माइंड में ब्रांड एम्बेसडर डालो भाई, कलोलपति पलोलपति तलोलपति कुछ नहीं, सलारपति निकालो ये सब, आजकल करोड़पति करोड़पति समझ गए। और ये जितने आगे बैठे हो बोलो भाई, तो खुद खुद अरबपति बन जाएंगे, खुद अरबपति बनाएंगे, नहीं दायमंद ही बनाओ, दे दी तो दे दी, कैसे खुद रहा
वैसे ही उनको तुम्हें सही लगे तुमने माइंड क्या है, पावर ऑफ माइंड इसे समझो। बस इतना बता के जा रहा हूँ और फिर एक मीटिंग करूंगा डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के बारे में, वो थोड़ा समझना है, टाइम कम है। माइंड, पावर ऑफ माइंड समझो, ये क्या होता है। आपको उसके सिवा जीवन में कोई पढ़ाई नहीं पढ़नी, सब पार्ट से लाइफ के, बस पावर ऑफ माइंड की पढ़ाई को पढ़ो। पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ माइंड का मतलब है जो यहां सोचते हैं ना वैसा होता है। देखिए दुनिया में तीन तरह का ज्ञान है, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और नेचुरल। कुछ चीजें नेचर से कनेक्ट है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। आप जो बर्फ के पहाड़ है उनको आप रेगिस्तान में नहीं बदली कर सकते। कर सकता कोई साइंटिस्ट या कोई टेक्निक्स नहीं ना, क्योंकि वो नेचुरल है। तो सक्सेस का भी एक नेचुरल नहीं है। आप हजार सब्जेक्ट लिस्ट ये सब पढ़ते रहो, ये सब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल है, नेचुरल तरीका है। अगर वो अपनाओगे ना तो कभी हार नहीं मानोगे और पता भी नहीं चलेगा सक्सेस कैसे आ गई। नेचुरल नेचर है ना, नेचर से। एक साल एक आदमी मेरे सामने बैठा रहे, सोएगा नहीं, 500 करोड़ दूंगा, 500 करोड़ दूंगा। हाँ जी है भाई, मतलब अब तुम पैसे कमाना है ना तो जाग के दिखा दो यार, एक साल जाग के दिखा दो। नेचुरल है, क्या है, जीना है तो खाना पड़ेगा, जीना है तो सोना पड़ेगा ना। पैसा कहां मारा, ना तुम्हारी ईगो, ना घमंड, ना पावर, कुछ काम नहीं आ रहा ना। नेचुरल चीज है ये। इसी तरह अगर बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। ये चीजें नेचर से कनेक्टेड है। बॉडी ऑटो रिस्पॉन्स करती है आपकी थिंकिंग लेवल को, क्या आपके थिंकिंग लेवल को बॉडी ऑटो रिस्पॉन्स करती है। ये प्रैक्टिकल चीज, नेचुरल चीजें हैं, इन पे आपका और मेरा कोई बस नहीं चलता। देखिए जैसे अभी सुबह आप ब्रेकफास्ट करने गए थे, तो आप जब ब्रेकफास्ट करने गए तो कैसे गए, चलो यार ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसे बोलते हैं हम लोग। सोचते हैं तो भूख लग जाती है, क्रेविंग शुरू हो जाती है। बैठ रहा हूं, कई लोगों को भूख नहीं लग रही होती लेकिन ब्रेकफास्ट की तरफ चलते हैं, जैसे जैसे भूख लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे थोड़ी करते, सौ करोड़ के बारे में सोच लोगे तो बॉडी 100 करोड़ के हिसाब से काम करेगी। सर पावर ऑफ माइंड, किसी ने कहा है माइंड पहले चीजें यहां आती है, पहले चीजें यहां पर आती है। अच्छा एक बात बताओ, आप जितने लोग हो ब्रांड एम्बेसडर की डेट लिखी आपने अपनी डायरी में, बहुत बड़ा बैटर नंबर किया है इस साल में। हम भारत में 8वें नंबर पे आ चुके हैं, समझे, और इंडियन कंपनी को तीसरे चोट भी आ गए, विदेशी को छोड़ के 8वें पे आ गए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 600 करोड़ की कंपनी, टोटल 2000 करोड़ का टर्नओवर हो गया होगा, तो थोड़े बहुत पैसे तो मैंने भी कमा लिए होंगे, अपने गुजारे लायक तो जीने लायक तो है ना। फिर मैं डेली को काम करूं 1000 करोड़ पे जाऊंगा। इसी तरह आपका सिग्नल डायमंड का है ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये सिग्नल दो इस माइंड को, तुम इस कंपनी में 18 रैंक है या नहीं है, अरे लोगों के रैंक भोरे में पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं मिलेंगे। तुम्हारा चेक अपने आप बढ़ जाएगा, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। पहले अपनी डायरी में डेट लिखो, ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर के लिए आए हो आप, है ना। इसके साथ ये सोच लेके काम करो, बॉडी विल गेट यू रिस्पॉन्स। कैसे होगा कब होगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कुणाल सर के संदीप सर जो बोलते हो जाता है, क्योंकि यार मैंने कभी डुप्लीकेट बात नहीं।